शांति बनी रहे इसके लिए प्रयास। यदि आप किसी एटीएम में जाएं और बिना कार्ड लगाए आपको पैसे मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक मामला खरगोन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसे निकालने पहुंचे वकील राजेश परमार्थी के साथ हुआ, पर उन्होंने ईमानदारी की मिसाल देते हुए रुपये बैंक को वापस लौटा दिए। आज के इस दौर में ऐसी ईमानदारी विरले ही देखने को मिलती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपए निकालने गए वकील राजेश परमार्थी को कार्ड लगाए बिना ही 5000 रुपए एटीएम से निकलते दिखे। बिना कार्ड लगाए रुपए निकलते देख तत्काल बैंक मैनेजर से कहकर रुपए वापस कर दिए। राजेश परमार्थी का कहना है कि आज के समय में भी ईमानदारी जरूरी है। पैसे कैसे निकले थे ये जानकारी पता नहीं है। हमारी ईमानदारी किसी का भला भी कर सकती है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नूतन नगर शाखा की ब्रांच से मेरे एटीएम कार्ड से मैंने 3000 रुपये का विड्रॉल किया। एटीएम से विड्रॉ नहीं हुआ बल्कि ट्रांजेक्शन फेल का मैसेज आया। उसके तुरंत बाद मुझे क्रेडिट का मैसेज भी आ गया कि आपके खाते में 3000 रुपये वापस जमा हो गए। इसी के बीच थोड़ी देर बाद अचानक मशीन ने 5000 रुपये का विड्रॉल किया। चूँकि वो 5000 मेरे नहीं थे, जिस व्यक्ति के ग्राहक के हों, तो इस बाबत मैंने फिर जो संबंधित बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नूतन नगर की शाखा में जाके वो पेमेंट मैंने वापस जमा किया और जिस किसी भी ग्राहक के हों उसे संबंधित ब्रांच मैनेजर को उसको मैंने वापस करने का निवेदन किया है। इस बाबत मैं वहाँ जानकारी देके आ गया हूँ। ये सर जैसे कि एटीएम मशीन फेल हो गई थी और उसने पैसे विड्रॉ कर दिए, तो क्या लगा आपको कि ऐसा ईमानदारी का कार्य करने की क्या प्रेरणा मिल गई आपको? सर ईमानदारी की प्रेरणा इसमें बात होती है कि कोई भी किसी व्यक्ति को आज पैसा तो हर किसी को लगता है किस आवश्यकता में वो व्यक्ति का पैसा हो, किसी की ज़रूरत का पैसा हो। आज अपन उस दौर से अपन भी गुजर चुके हैं, तो अपनी एक ईमानदारी और अपना एक मानवता के नाते मैंने ये काम